फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत दिन हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने को, क्योंकि दोस्तों रीज़न यही है कि यहाँ पे कोई वैलिड रीज़न नहीं मिला, ना ही कोई वैलिड ऑथेंटिकेट यहाँ पे क्लू मिल रहा है जिसके तहत आपको यहाँ पे बताई जा सके कि यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। जिस स्टूडेंट का स्टेटस कहीं भी अटका हुआ है, चाहे वो सेशन 2022-23 के हो या फिर 23-24 के हो, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हो, चाहे फ्रेश स्टूडेंट हो या रिन्यूअल में जिन स्टूडेंट का बाकी रह गया था, चाहे वो यूजीसी स्कीम के हो, पोस्ट मैट्रिक के हो या फिर आपके स्टेट स्कीम के हो। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले कि आपका पेमेंट कब मिलेगा। देखो यार, इतने दिन के बाद में मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट की होगी, इतना तो आप मानते होंगे। और इतने दिनों के एनालिसिस के बाद से और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ढूंढने के बाद से, रिसर्च करने के बाद से, जगह जगह स्टूडेंट से बात करने के बाद से, मिनिस्ट्री से बात करने के बाद से, फाइनल जो कंक्लूजन अभी निकला है ये पेमेंट क्यों दे रहे हैं, क्या क्या रीजन यहां पे हो सकता है और क्या क्या चीजें इनको यहां पे देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें आपको यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहती है, दोस्तों चैनल पे जरूर आए तो चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को अभी तक लाइक कर लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। अब दोस्तों देखो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक बहुत बड़ी स्कीम है और इस बार मुझे नहीं लगता कि इतिहास में यहां पे कहा जा सकता है कि जब से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2010 या 11 से स्टार्ट हुआ था तब से इतनी ज्यादा डिले किया हुआ था। हालांकि आप देख सकते हो कितनी तगड़ी लेवल पे यहां पे डिले हुई है। स्टिल आप सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई थी कि पेमेंट आप सभी स्टूडेंट को मिलने वाला नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट यहां पे पार्शियली होंगे जिनको मिलेगा। ठीक है, स्टिल जिन स्टूडेंट का यहां पे मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डिले हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इलेक्शन है ना, अगर मैं बोलूं इलेक्शन की वजह से तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्शन की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा डिले हुआ। अब आप कहोगे कि इलेक्शन एक बहाना है सर, आप ऐसे बोल रहे हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके पास कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, आपके रिलेशन में होगा, आपके दोस्त के पेरेंट्स होंगे, तो आप एक बार जरूर पता करना, इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव है ना, इसमें पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दिया सभी के। अब जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर थे ना, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते थे, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे अवेलेबल है, उन सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चुनाव के काम दे दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी डिपार्टमेंट है ना वो उनको रोक दिया गया है और उनको अलग टाइप के, जैसे कि मैंने बात किया अभी, ये जो पहले वाली है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, ये आशीष सर हैं, इनके जो मतलब फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, आप पता भी कर लेना। तो जब उनसे बात हुई हमारी जाके, तो वहां पे ये पता चला कि उनकी जो ड्यूटी है ना वो चुनाव में लग गई है, चुनाव के जो भी बहुत सारे यहाँ पे वेरीफिकेशन होते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, तो चुनाव के कारण इनकी जितनी भी ड्यूटियां है ना, तो सारी ड्यूटियां अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग इनको KRA मिल गया। KRA मतलब समझ रहे होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, मतलब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया थी वो चेंज कर दिया गया है। अब भाई आप पता ही चल सकता है कि लोकसभा जो कि पूरे इंडिया की एक बहुत बड़ी चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव तय करता है कि लोकतंत्र को बचाना है कि क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। स्टिल आप सभी को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जितने भी यहाँ पे पूरी तरीके से थप हो चुका है और ये अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा भी आपको क्लू कुछ भी मिलने वाला है। तब तक आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे वेट करिए। और अभी आप स्टूडेंट के मन में ये भी ओपन होगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का इस बार तो ओपन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर मतलब 2023-24 का कब ओपन होगा, तो वो जुलाई के एट द एंड में आपका ओपन हो जाएगा। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवाने की कोशिश करेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री की तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फॉर्म वेरीफाई करता है मिनिस्ट्री के एसोसिएट होते हैं, उनसे बात होने के बाद से यही पता चला, जो आशीष सर थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, उन्होंने बताया कि अभी उनका जो जितने भी यहाँ पे मतलब अपर लेवल के अधिकारी या फिर उनके सभी KRA चेंज हो चुके हैं। गवर्नमेंट का काम है भाई, कुछ भी करा सकती है, हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में छोड़ के आपको कुछ और KRA मिल जाए। ठीक है, आप भी देखते हो कि जो भी आप एक बार पता करना, जितने भी आपके पेरेंट्स होंगे, आपके जो मतलब किसी मिनिस्ट्री में काम करते होंगे या किसी बड़े प्राधिकरण पे आप अगर वर्क कर रहे होंगे, तो उनको आपको पता होगा कि सारे लोगों की KRA चेंज हो चुकी है और ये KRA तब तक चेंज रहेगी जब तक यहाँ पे चुनाव नहीं हो जाता पूर्ण रूप से। ठीक है, तो
उसके बाद से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहती है प्राइवेट स्कॉलरशिप भरो, इंटर्नशिप के चक्कर में पढ़ो। स्कॉलरशिप के भरोसे अगर आप कॉलेज की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी स्टेट स्कॉलरशिप को भी अप्लाई करो। अब देखो दिक्कत ये होता है, स्टेट स्कॉलरशिप मैंने बोल दिया, अब स्टूडेंट जो देहरादून में पढ़ रहा है, अगर मान लो यूपी का स्टूडेंट है तो देहरादून के जो कॉलेज में, जैसे कि मान लो जीके बी हरिद्वार है, उसमें कोई बीटेक कर रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा है, तो उसके कॉलेज में ना वो यूपी वाली रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जाने के बाद से ही आप रजिस्टर करवा लो। इवन अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है तो आपके भाई बहन या आपके दोस्त जहाँ कहीं भी जाए पहले बोल दो अपनी स्टेट स्कॉलरशिप को। तो स्टेट स्कॉलरशिप में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट को इतना कोटा डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस कोटे के तहत मतलब एक लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलने में मैक्सिमम चांसेस हो जाता है। अब यहाँ पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट को यहाँ पे कई बार फिल्टर होते हैं, फाइनल फिल्टराइजेशन के बाद से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। एटलीस्ट आप सभी स्टूडेंट अगर आपका 70% से ऊपर है तो डेफिनेटली यू विल वेट, ओके, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, क्या राय हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी स्टेटस उसके बाद से, अभी जब से चुनावी शंखनाद मतलब चुनाव का डंका बजा है उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द मिनिस्ट्री के बाद से मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है बहुत सारे, और उसके बाद से क्या क्या स्टेटस में आपके चेंजेस हुए हैं, अभी क्या आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है या नहीं, वो भी मेरे को एक बार जरूर आप बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, बाय बाय।